जय गुरु जी, गुरु जी को प्रणाम, नमस्ते गुरु जी, संगत को भी नमस्ते। आज गुरु जी ने मौका दिया अपना गुणगान करने का। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हम तो इतने भी नहीं है कि आपका हर घड़ी शुक्राना कर सके, जो आप बख्श रहे हो हर घड़ी हर पल। आप इतना अच्छा, इतना सुकून भरा बख्श रहे हो, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुराने सत्संग तो बाद में करेंगे, लेटेस्ट सत्संग ये है कि 31 मई का जो गुरु जी का समाधि दिवस है, उसका एक गुरु जी ने इतना बड़ा सत्संग करवाया है कि समाधि दिवस के लिए मंदिर से बसें जा रही हैं और संगत भी अपनी तरफ से जाने के लिए भाई अपनी अपनी गाड़ी कन्वेंस लेके जाती है। तो मेरे नेबर आंटी भी अभी सतगुरु जी से जुड़े हैं, तो वो मेरे को 1 महीना पहले से ही कहते हैं कि आंटी आप डुगरी जाओगे। तो मैंने कहा कि आंटी मैं कुछ कह नहीं सकती, वैसे तो 90% नहीं जाना है, बट एट ए टाइम जो गुरु जी करवाएंगे तभी मैं थोड़े टाइम पहले ही बता सकती हूँ। तो वो बोले आंटी अगर चलना हो तो हमारे साथ चलना। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं थोड़ा टाइम शॉर्ट टाइम ही बता पाऊंगी कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1-2 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने घर के हिसाब से देख के मैं, बट 90% मेरा मना है। तो 31 मई से 4-5 दिन पहले एक आंटी का फोन आता है कि आंटी अगर आपको टॉयलेट की सेवा मिले। मैंने कहा आंटी कहाँ, क्योंकि ये तो पता है कि 31 को डुगरी तो होता ही है और बड़े मंदिर में भी खुलता है। तो मैंने आंटी से पूछा कि कहाँ, तो आप टॉयलेट की सेवा कर लोगे। मैंने कहा आंटी सेवा सेवा होती है, आप बताओ कि मुझे करनी कहाँ है। तो वो बोले कि आंटी डुगरी। तो तब मैंने नहीं सोचा कि मैं उनको मना करूं कि भाई मुझे डुगरी नहीं जाना। तो मैंने कहा आंटी हाँ। तो वो आंटी जी कहने लगे कि मैं ना अपनी कोऑर्डिनेटर से पूछती हूँ कि वो भाई आपका नाम भी ले लेंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप उनसे पूछ लो और फिर मेरे को बता दे। उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर को से बात की तो उन्होंने मना कर दिया। तो लेकिन वो आंटी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मेरे को बताना कि भाई, क्योंकि आंटी उन्होंने मना कर दिया। मैंने 1 घंटे वेट की, 2 घंटे वेट की, तो मैंने आंटी को फोन किया कि आंटी भाई मेरा नंबर आया क्या। तो वो कहने लगे कि आपको उन्होंने मना कर दिया इसलिए मैंने फोन ही नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, जो गुरु जी चाहेंगे वो ठीक है। तो रात को अंकल जी, मेरे अंकल घर आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई डुगरी चलना है। मैंने कहा अंकल जी ऐसे ऐसे आंटी का फोन आया था तो उन्होंने तो मना कर दिया है, भाई सेवा नहीं मिलेगी तो कैसे जाएंगे। क्योंकि तो कहने लगे नहीं हम ना उनके साथ चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ तो वहां जाके देखेंगे। मैंने कहा नहीं अंकल जी, क्योंकि सेवा तो काफी दिन पहले ही जो कार्ड बनते हैं वो हो जाते हैं, तो हम वहां सारा दिन और अब तो इतनी संगत होती है 1 मिनट भी नहीं बैठने देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गर्मी भी है। कोई नहीं, ये गुरु जी की मर्जी थी, हमारा गुरु जी का बुलावा था, हम दोनों डुगरी गए। अंकल की भी सेवा का नहीं है और मेरा भी सेवा का नहीं है, हम गुरु जी के सहारे चले गए। तो वहां गए तो वो आंटियां जैसे ही सेवादारों की गाड़ी अलग लगी उनका, क्योंकि अलग बनाया हुआ था कि सेवादारों की गाड़ियां यहाँ लगेंगी, तो जहां वो आंटी उतरे थे अंकल, उनकी दोनों आंटी अंकल के कोऑर्डिनेटर वहीं खड़े थे, उनकी उनको बैच वहीं मिल गए। और हम दोनों की अब और पंडाल से अंदर की तरफ जहाँ गुरु जी का दरबार लगा है वहां हमें आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मंदिर 10 बजे खुलना है। तो अंकल के साथ गए तो अंकल को तो वहीं पंडाल में ही सेवा मिल गई मेरे अंकल जी को, लेकिन मेरे को नहीं मिली। लेकिन गुरु जी का ये था कि फिर पता नहीं वो सेवादारों का क्या, वो उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। अंदर आए तो जहाँ पे आंटी सब सेवादारों को उनके टेम्परेरी वो कार्ड इश्यू कर रही थी वहां गए, तो वो आंटी बोले कि आपने नाम लिखवाया था। मैंने कहा आंटी नहीं लिखवाया। तो बोले ऐसे नहीं होता है, पहले नाम लिखवाना पड़ता है। मैंने आंटी को अपना एक पुराना बैच था मेरे पास, मैंने वो दिखाया। तो आंटी बोली कि ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब टेम्परेरी बनता है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने कहा आंटी देख लो भाई अगर, तो उन्होंने कहा नहीं,
उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट करो, अगर होगा तो मैं अपने बुला लूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी। हमारे साथ एक आंटी अंकल और गए थे, उनके अंकल को भी मेरे अंकल के साथ बाहर सेवा मिल गई पंडाल में ही। और उन आंटी ने, जो आंटी वहां पे हेड इंचार्ज थी, उनसे 8-10 दिन पहले उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था उनको कि तुम खुडुबरी पहुंच जाना, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं सेट कर दूंगी। तो उन आंटी ने बात करी तो उनको पता था, और वो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके गई थी। तो थोड़ी देर में उनका तो हो गया और उनके पास फोटो भी था। तो वो आंटी कहने लगे कि जो इंचार्ज आंटी थी कि तुम्हारे पास फोटो है? मैंने कहा आंटी मेरे पास तो फोटो नहीं। तो वो बोले ना तो तुमने नाम लिखवाया ना तुम्हारे पास फोटो है, तो ऐसे नहीं होता है। तो ठीक है आंटी जी। तो मैंने अपने, वो आंटी कहने लगी, जिन आंटी का उसी टाइम एट ए टाइम बना, वो कहने लगी कि अपने अंकल को फोन करके पूछो कि उनके पास आपकी स्नैप हो। मैंने कहा आंटी मेरे अंकल फोटो नहीं रखते, ना उन्होंने कभी रखी है ना। कह रहे मेरे अंकल के पर्स में निकला ही, आपके अंकल के जरूर निकलेगी। मैंने कहा आंटी हम कभी एक दूसरे की स्नैप नहीं रखते हैं और मेरे अंकल के पास नहीं है। बस मैंने अपने अंकल को इतना मैसेज छोड़ा कि अंकल भाई उन आंटी को तो सेवा मिल गई है, अब आप किसी भाई पुराने अंकल सेवादार से पूछो कि मेरी आंटी ऐसे से कहाँ बैठे। तो अंकल ने, एक अंकल जो पुराने सेवादार हैं और अंकल भी हैं जानते हैं, उनको फोन किया। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, आप उन आंटी को एक बार फिर बोल के देख लो। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी आपने मुझे साइड में खड़ा किया था बट मेरे पास फोटो नहीं है। तो उन आंटी ने मुझे, रुचि ने उनके दिमाग में क्या डाला, कोई आंटी सेवा में पहुंची नहीं थी तो गुरुजी ने मुझे वो सेवा कार्ड इशू किया। और कहां मुझे, वो जो आंटी हमें ले गए थे वो कह रही थी कि आप टॉयलेट की सेवा कर लोगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल जहां भी मिलेगी सेवा कर लूंगी। और गुरुजी ने सेवा भी दी तो बिल्कुल अपने दरबार के पास खड़े रहने की थी। ये गुरुजी का ही शुक्राना है, सिर्फ भाव रखने की बात है कि कहां डुगरी जाने का भी था कि नहीं, 90% जाना ही नहीं है। गुरुजी डुगरी ले गए, फिर वहां सेवा दी, फिर अंदर दर्शन कराए। तो गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना हर पल गुरुजी का शुक्राना है और शुक्राना। और अभी थोड़ी देर पहले ये सिद्धार्थ मोहन जी के भजन से पहले चल रहा था एक शब्द, गुरु पूरे मेरे राख लई। तो ये जो शब्द है ये हमारी जिंदगी का एक एक पल, जो ये शब्द के वर्ड है वो गुरुजी गुरु पूरे मेरे राख ली हर पल रखते हैं। और जब भी कभी किसी तरह का कोई मैसेज आता है तो उसमें गुरुजी का हमेशा मुझे सिर्फ ये मैसेज पढ़ने को मिलता है कि धन की कमी नाल तेरा कोई कदे कम नहीं रुकेगा। और बिल्कुल वही हो रहा है जो गुरुजी, ऐसे लगता है गुरुजी, वो गुरुजी ही पढ़वा रहे हैं। और बिल्कुल जो गुरुजी दिखाते हैं या पढ़वाते हैं कुछ भी मैसेज, तो वो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि जब गुरुजी ने कह दिया तो वो काम तो रुकना ही नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और शुरू से ही जब गुरुजी के टाइम पे ही एक बार गुरुजी ने दर्शनों में दिखाया कि गुरुजी कुटिया के पास चारपाई लगा के बैठे हुए हैं, और जो हम 8-10 हमारे पुराने लोगों की टीम थी संगत की, तो वही टीम गुरुजी के पास कुटिया के पास बैठी हुई है। और मैं जहाँ झूला है उसके पास से, वो जो आने का रास्ता है, मैं वहां से आती हूँ और मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। तो गुरुजी एक रजिस्टर खोलते हैं और गुरुजी कहते हैं देख ऐ तेरे बैंक का नंबर है, तेरा अकाउंट मेरे को लग। और वाकई जो मेरा अकाउंट है वो मेरे गुरुजी के पास है। जब जरूरत पड़ती है गुरुजी पता नहीं कहाँ से वो पूरा अरेंज करा देते हैं। तो गुरुजी शुक्राना हर पल शुक्राना, सुख दुख में साथ रहने का शुक्राना हर पल शुक्राना गुरुजी शुक्राना। अब अंकल जी करेंगे सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। 15 जून 2001 के बाद से हम गुरु जी के चरणों में जुड़े। मेरी एक छोटी सी वर्कशॉप गोलबाग में होती थी जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था, टीवी वीसीआर वगैरह और टेप रिकॉर्ड वगैरह रिपेयर करता था। एक टाइम
एक सर्जन आए और कहने लगे एक सिस्टम ठीक करना है, म्यूजिक सिस्टम। मैंने पूछा जी कहाँ पर? उन्होंने बोला जी एम्पायर स्टेट। वो तो मेलोडी से आगे है, फिर तो नहीं चलेंगे। तो जस्ट मैं शॉप पर पहुंचा ही था सुबह 11 बजे, तो मैंने बोला जी अभी एक एक घंटे के वक्त चलते हैं और आप घूम लीजिए मार्केट में। तो वो बोले ठीक है। वो 12:30 बजे फिर आए तो बोले चले आप, ऐसा थोड़ा थोड़ी देर का काम हो रहा है, मैं हाथ का काम निकालू फिर चलते। इतना करते करते 3:30 बजे तक हम वहां से निकले। उनकी कार में बैठकर मैं अपना टूल किट लेकर एम्पायर स्टेट पहुंचा। और उस टाइम सीडीज वगैरह का टाइम नहीं था, ऑडियो कैसेट का टाइम था। वहां पहुंचे तो एम्पायर स्टेट में जैसे उन्होंने स्टेप चढ़े लेफ्ट साइड पे शूज उतार के, कहने का आप ही शूज उतार दो। मैं कहा नहीं अंकल, नहीं सर मेरे को करंट लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल काम है, इलेक्ट्रिकल काम है। उन्हें बड़ा जोर से कहा नहीं लगेगा, औजार उतार दीजिए। कहने के बाद मैंने शूज उतार दिए और स्टेप चढ़ के अपना एंटर किया। फिर थोड़ा है गेट के अंदर तो 3 स्टेप उतरे तो राइट साइड कॉर्नर में एक म्यूजिक सिस्टम रखा था। हाँ मैंने वो सिस्टम निकाल कर उसको खोला और फिर जो सर्विस वगैरह करके उसको बजाया। वहां साहब ना म्यूजिक की कैसेट जो रखी थी ना ऑडियो कैसेट, तो शब्द सब टाइप सा रखा थे, जैसे शब्द बजते हैं, समझ नहीं आ रहे थे। रिपेयर करते करते एक कैसेट लगाया, दूसरा कैसेट लगाया, तीसरा लगा, लेकिन अच्छा सा बीट साउंड नहीं सुनाई दे रहा था, क्वालिटी नहीं आ रहा था वॉइस में। तो इतने में ही उस गेट के पास एक यहाँ सिस्टम रखा होता, वहां एक गेट है, गेट के अंदर से एक सज्जन निकले। तो कहने लगे ये हो रहा। तो 3-4 जो 7-8 लोग जो खड़े थे वो खड़े हो गए और उसको प्रणाम करने लगे। मैं कहता ये म्यूजिक सिस्टम ठीक हो रहा है। कहने लगे करो करो, तो बस करता रहा। तो इतने में वो जब क्वालिटी वाइस क्वालिटी नहीं आई थी, तो मैंने वो जो मेरे को सज्जन लेके आए थे अंकल, उनको मैंने बोला आपकी ऑडियो कैसेट है, आपकी गाड़ी में बज रही थी, प्लीज दिखा दो 2 मिनट के लिए, फॉक्सन की कैसेट था। वो कैसेट लेके आए अंकल, तो वो कैसेट बजाया, सब पीस वगैरह सेट किया, ऑडियो क्वालिटी अच्छा आ गया। तो फिर मैंने दोबारा शब्द का कैसेट लगाया तो फिर कुछ संतुष्टि हुई, हाँ फिर ठीक हो गया। फिर जो सज्जन गेट के पास खड़े थे उन्होंने बोला ठीक हो गया, हाँ जी भाई साहब ठीक हो गए, चेक कर लो। जो जब मैंने ये बोला हाँ जी भाई साहब ठीक हो गए चेक कर लो, तो 5-7 लोग वो सब हंसने लगे। फिर इतने में जो सज्जन गेट से आए थे वो सामने एक बड़ी चेयर रखी थी उसमें जाके बैठ गए। फिर जितने भी लोग खड़े थे वहां 10-12 लोग खड़े थे, छोटू अंकल थे जो मुझे लेके आए थे, कन्वर लाल अंकल लेके आए थे मुझे, तो उन्होंने भी माथा टेका उनको जाके, सब लाइन लगा के खड़े हो गए। मेरा भी माथा चमका भी क्यों खड़े हैं ये सब लोग, पहले इधर भी माथा टेका इन्होंने जब गेट के पास खड़े थे, फिर वहां जब आसन पे बैठ गए कुर्सी पे बैठ गए तो वहां भी टेक रहे हैं। बुजुर्गों के संस्कारों में देखा कि कुछ कर्म अच्छा हो जाए तो मैंने भी सबसे पीछे जाके लाइन में खड़ा हो गया। फिर उन्होंने पूछा जब मेरा नंबर आया माथा टेका, तो उन्होंने बोला ठीक हो गया, अगर हाँ जी भाई साहब ठीक हो गया। फिर वो 5-7 लोग जो खड़े थे वो सब हंसने लगे। इतने में एक आंटी आए तो उन्होंने भी माथा टेका और वहां पे बैठ गए। फिर उन्होंने बोला जो सज्जन बैठे थे कुर्सी पर, वो आंटी को बोला हेलो सत्संग का। तो आंटी ने मुझे बिठा के कुछ बातें बताई, कुछ सत्संग सुनाए। कुछ सत्संग जैसे जैसे सुनाते गए रात के 9-10 बज गए, 11 बज गए, नहीं पता लगा। फिर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, शरबत प्रसाद, जो समझा जो मतलब बहुत कुछ खाने को दिया और पीने को दिया, सब कुछ ऐसे खाता गया पता नहीं लगा कहाँ गया। जैसे जैसे सत्संग सुनाते गए आंटी, तो बस तो मेरे पसीने निकलते जब शुरू हो गए। फिर जब उन्होंने आज्ञा ली सबने, तो सबसे पीछे मैं भी खड़ा हो गया। तो उन्होंने सबने माथा टेका, फिर मैंने कहा सॉरी गुरुजी माफ कर दो। फिर गुरुजी ने कहा ओ नहीं नहीं हो गया बस ठीक है जाओ नहीं कुछ। फिर उन्होंने कहा ओ नहीं भाई साहब जाओ, गुरुजी ऐसे कहते हैं।
तो फिर मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस, मैंने कस के पैर पकड़ लिया, मैंने सॉरी गुरु जी। कहते अच्छा किसको आना है? गुरु जी मैंने तो बताया कि गोलबाग मेरी वर्कशॉप है, मैं मेरोली रहता हूँ। अच्छा तो आंटी ले आया कर, गुरु जी कहते हैं अच्छा आया कर, तो आंटी ने भी नाल ले आया कर। ऐसे गुरु जी ने सम्मान दिया, प्यार दिया। उसके बाद तो बस पूछना क्या था, घर आके मैंने बताया रात को 11:30 बजे, तो सब लोग पहले तो बताने लगा, तो मैंने बोला बताया कि ऐसे से मैं गुरुजी से मिल के आया हूँ, आप लोग भी चले। तो सबकी इच्छा हुई, अगले दिन आया था, तो अगले दिन सबने अपना रेडी होके गुरुजी के मंदिर गए, सबने माथा टेका, सबको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्या था, गुरुजी के आदेश, गुरुजी ने जैसे जैसे सेवाएं दी, उन्होंने बख्शिश दी हमें सेवाओं की, बस जुड़ना हो गया। एक बार ऐसे ही बैसाखी का त्योहार था, बड़े मंदिर में सेवा मिली, जो हम लोगों की टीम थी 10-5-7 लोगों की, सारा मंदिर साफ सुथरा चकाचक हो गया, पेड़ पौधे पेंट पॉलिश हो गए, इलेक्ट्रिक का काम भी सब ठीक हो गया, जहां लाइटिंग की जरूरत थी वहां भी लाइटिंग वगैरह लगाई। तो सब कुछ होने के बाद फिर हम पर निगाह पड़ी शिवलिंग पे, बड़े शिवलिंग पर, वहां जो निशान था झंडा लगा हुआ था बहुत पुराना लगा हुआ था, मुझे लगा कि जब से मंदिर बनाओ तब से लगा होगा, लेकिन माला मेला मेला था। तो हमने सोचा फिर इसको तो चेंज करना है, कैसे भी करें, गुरुजी से आके लें। तो हम में से एक लड़का वो बना के ले आया, बना के लाने के बाद तो मैंने कहा भाई ये तो पहले शुद्ध कराते हैं, गुरुजी के पास जाके ब्लेस कराएंगे, आज्ञा भी लेंगे और ब्लेस भी कराएंगे। अब जी वहाँ एम्पायर स्टेट, हम उसको ले गए, मेरी आंटी ले गई फूल वगैरह लगा के प्लेट में सजा के। तो पहले तो कोई जाए ना, कि गुरु जी के पास जाए कौन, सब डरते थे गुरु जी गुस्सा ना हो जाए। तो किसी तरह हिम्मत करके मेरी आंटी और एक अंकुल के चेतन अंकल हैं वो गए, और जाने के बाद गुरु जी ने दिखाया बताया कि गुरु जी ऐसे ऐसे पर निशान सब चेंज करना है, आप आज्ञा दो। जी बड़े खुश हुए, ने पूछा किन्ने बनाया, आंटी ने बताया कमल अंकल उन्हें बनाया। हाँ बहुत खुश हुए, मतलब उसको उलट उलट के भी दे लगते बड़ा सुना लगे। हाँ गुरु जी ने बड़े प्रसन्नता से बड़े खुशी से कहा जाओ जल्द चेंज करो लगाओ। मतलब उससे एहसास हुआ कि मंदिर की जो सेवा करते हैं ना हम सब में, तो गुरु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन बहुत खुश हुए हमारे छोटे से सेवा से, तो बड़े खुश हुए गुरु जी की महिमा। अब वो झंडा जो निशान साहब हम चेंज कैसे करें, और जो भी उस चढ़ेगा फिसल जाएगा गिर पड़ेगा, तो बड़े मतलब ये सोच विचार में हम एम्पायर के गद्दी से जब बाहर की तरफ आए, गुरु जी के एम्पायर स्टेट में बाहर की तरफ आए, तो एक आंटी मिली वर्मा आंटी, जिनको हम थोड़ा सा हमें पहले ही जाना कि वो वर्मा आंटी है। उन्होंने पूछ लिया अंकल क्या बात है, बताया आंटी ने कि आंटी हमारा ना काम साहब चेंज करने और हमें पता नहीं है कैसे चेंज होगा। उन्होंने बस जैसे ही हम बाहर सोच भी रहे थे, उन्होंने बताया कि 10 बजे तक आप बड़े मंदिर पहुंच जाना, मेरा एक लड़का आएगा तो आपको वहां चेंज करा देगा। अच्छा जी कैसे, वो कहेगा अपने आप करा देगा आप जाओ। और वो भी इतना मतलब जो कश्मकश में थे हम सब कि हाँ तो चेंज कैसे होगा, वहां सेटिंग लगाएंगे कैसे करेंगे, पैड बांधेंगे ऊपर चढ़ेंगे तो कैसे आदमी 3-4 लगेंगे 5 लगेंगे। तो वो बंदा अकेला आया, 2-3 रस्से ला के अपना उसने तो बनाया और ऊपर चढ़ गया। 15 मिनट के बाद उसने 10 मिनट में ही पर खान साहब चेंज करके मैं नीचे आया, नीचे आए हम सब अंदर बड़े हॉल में, तो देखा थोड़ा सा अमृत वर्षा आई नीचे हॉल में, हम सब ने अमृत वर्षा भी का आनंद लिया। तो चखा सब जितने हम सब थे 3-4 लाख 10 लोग थे, और बहुत आनंद आया। देखो वर्षा गुरु जी की महिमा, सब मतलब हम सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन गुरु जी वो हमारे दिमाग में हमारा सपोर्ट के लिए कोई ना कोई रास्ता देते रहते हैं। ऐसे ही गुरु जी ने एक दिन हुक्म किया मंदिर में ना करंट आता था टूटियों में स्टेप में,
वहाँ एक दिन अपना जेठा साहब और उनकी आंटी और रितेश भैया और मेरी आंटी और मैं भी वहां पहुंचे हुए थे। बड़े दिन सोमवार का दिन था, गुरु जी पद आए और कसौती की कार्य थे। गुरु जी ने अच्छा अच्छा आ जाओ मत्था टेका गुरु जी को, गुरु जी कहते हैं और उन्होंने जेठा साहब चित्रा साहब टूटे करंट आया देखे उन्होंने क्या दिखाया थे हाँ गुरु जी से ठीक नहीं होया। तो इतने में छोटा गुरु जी ने आंटी ने भी पूछा कुटी कोई सेवा कोई मैनु कोई काम लाना है। आंटी जैसे जेतरा के बेटे ने भी पूछा तो इनकी भी हिम्मत हुई कि चलो मैं भी पूछती हूँ। तो पूछा इन्होंने तो इन्होंने इनको गुरु जी ने मना कर दिया काम वाम नहीं करना घर बैठ घर वाली सेवा कर। तो मुझे भी थोड़ा गुरु जी ने कहा प्यार से तू बड़ा इंजीनियर बना फिरता है अब एक टूटे करंट आता। मैं जैसे ही जाने लगा तो मुझे रोक दिया क्योंकि मेरे पास उस टाइम ना टूल किट थी ना टेस्टर ना लाइट तो क्या जाता तो शॉर्ट कट लगता मुझे भी। तो देखो गुरु जी की महिमा वहां भी बताया गुरु जी नहीं तो कैसे शॉर्ट लग जाता टोक्यो में करंट जबरदस्त आ रहा था। सुबह उस दिन हमने अगले दिन सुबह अपना टिफिन लिया और एक घंटे दो घंटे का काम हुआ निपटा के अपना वर्कशॉप चले जाएंगे। अगले दिन मंदिर पहुंचा तो सारा दिन लगा रहा एक लड़का मेरे साथ था वो भी लगा रहा सारे स्विच बोर्ड सब खोल दिए सब जितने भी स्विच बोर्ड लगे हुए पूरे मंदिर में कहीं फॉल्ट नहीं समझ आ रहा था कि फिर जहां भी जाए टूटे चेक करें टेस्ट लगाए पूरा घंटा। अगला दिन भी गए हम सारा टिफिन लेके अपने घर से और हाँ बड़े मंदिर में पहुंच के सारे जो जो स्विच बोर्ड टूटे हुए थे जनरेटर रूम के किचन के सारे सब चेक कर लिए पूरा दिन अगला दिन भी बीत गया। तीसरे दिन फिर हमने कहा भी तो करना तो है छोड़ना तो है नहीं गुरु जी का हुक्म है। तीसरे दिन फिर हम लगे रहे पूरी रूटीन सारा मंदिर जहां जहां स्विच बोर्ड लग रहे जहां जहां वायरिंग जा रही सब चेक कर लिए कि कहीं ना कहीं तो शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं तो वर्किंग है जो कि शॉर्ट मार रहे। तो चार साढ़े तीन चार बजे बहुत थक गए हमने ऐसे थोड़ा सा लंच किया और शिव जी की मूर्ति के आगे बाहर मत्था टेका गुरु जी कि कुछ करो नहीं समझ आ रहा। बस वहां कन्हैया जी वहां बैठा ही था क्यारी के पास और एकदम थॉट आया कि गुरु जी का जो बेडरूम बनाया था उसके सामने भी किचन है गुरु जी के। अब गुरु जी किचन खुलवाई रामकार भैया को बोला माली भैया ये जो किचन खोल दीजिए यहाँ भी चेक कर लें। उन्होंने प्यारों ने गेट खोल दिया और अपने स्विच बोर्ड खोले तो वहां पे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। वहां स्विच बोर्ड लगे हुए थे उसमें कुछ शॉर्टिंग थी तो वो सॉल्व हो गई। तो सॉल्व होने के बाद उधर उसको रिमूव किया और माली भैया तो बोला टैप खोलना भैया लेफ्ट साइड पे ही टैप लगा हुआ है किचन में तो उन्होंने टैप खोला और पानी वानी आ रहा है तो ठीक है उसका भी करंट आ रहा है नहीं भैया करंट प्रॉब्लम नहीं आ रहा टेस्टर लगाया सब चीज सब कुछ होके है। सब सारे स्विच बोर्ड फटाफट पैकअप किए बाथरूम के किचन के सारे 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 वापस पैक किए। पैक करने के बाद जैसे मत्था टेका ऊपर हाल खुल गया था तो वहां पर मत्था टेकने का मौका मिल गया। मत्था टेक के बस बाहर आए थे रंगोली से नीचे उतरे थे इसमें गुरु जी की गाड़ी का टेसा टीएलपी नंबर एक आ गई शिव जी के मूर्ति के पीछे रुकी और हमने बड़ा खुश होकर पूछा आप तो गुरु जी को बताएंगे चलो गुरु जी फाल्टी हो गया। इतने में वहां भाग के पहुंचे मत्था टेका गुरु जी का एक पैर बाहर निकला था गाड़ी से और मत्था टेका गुरु जी पहले कहते हैं लाभ लिया पानी। अब हम अंदर से एकदम भौकले रहे कि हमने तो कुछ बताया नहीं ना किसी ने अभी किसी को पता ही नहीं सिर्फ दो तीन दो काम है गुरु जी को पैसे खबर कैसे पहुंच गई। गुरु जी तो भगवान है जब उन्होंने इतनी थॉट डाली कि वहां फॉल्ट है चेक करो तीन दिन हो गए तो ये सब उन्होंने ही तो किया फिर मुंह से निकला छुट्टी सब आपकी कृपा है। फिर गुरु जी दिन बड़ा खुशी हुआ उस दिन उस दिन मुझे स्वरूप दिया जो है आपको मैं दिखाऊंगा स्वरूप लगा हुआ मेरे घर में वो गुरु जी ने मेरे को स्वरूप दिलाया अपने मंदिर से। और दिन फिर स्वरूप दिलाया गुरु जी ने तो ये स्वरूप आज देखो लगभग 18 साल हो गए उन्हें स्वरूप अभी भी ऐसे कैसे लगा हुआ है।
अब ऐसे ही दिवाली के दिन होते थे, तो दिवाली के दिन होते थे तो हम लोग दिवाली में फटाफट पूजा करके, और घर में रेडीमेड जैसे पूजा होती थी, लगन सारी हमारी वही रहती, सारी होली दिवाली सब वही होता था। हमें कुछ सोचता ही नहीं था कि बाकी त्योहार कहाँ है, कैसे हैं, कुछ नहीं समझता हमें। बस फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए फैमिली में, जहाँ पीछे पीछे 40-50 साल से ऐसा होता है, वही उतने तो लगन रहती थी। दिवाली में पूजा होती है तो वही फटाफट सफाई पूरी की, अपना मंदिर साफ किए, धूपबत्ती जगाई, लक्ष्मी जी की आरती बोली और चलो जी मंदिर चलो। फटाफट तिलक लगाया, जैसे फोटोग्राफ में उसके रूप में तिलक लगाया और हम लोग दिया बत्ती जगा के फिर बड़े मंदिर पहुंच गए। वही सब हमारा बस होता था, होली दिवाली सब वही होती थी। हाँ, अगर जैसे हम रात को 12:30-1 बजे वहां पे छुट्टी मिलती थी, वापसी आए सो गए, और अगले दिन सब जैसे नहा धो के सब अपने मंदिर में घरों में पूजा वूजा करते हैं, मत्था देखते हैं मंदिर में। तो मैं देखा कि सुबह पाते में जो तिलक लगाया था रात को, वो पूरा स्वरूप गणेश जी का बना हुआ है, तो एकदम गणेश जी का बना हुआ है। तो 4-5 दिन तो हमने उसको फोटो को साफ नहीं किया, भाई बना रहे तो कितने दर्शन होते रहते हैं। ऐसे ही कैसे कैसे चमत्कार दिखाते हैं, फुलकों पे हो माना, तो गणेश जी का ऐसे जब पेंटर भी कोई बनाने बैठे तो वो भी नहीं बना सकता, इस तरह इतना सुंदर और इतना पावन गणेश जी का छोटा सा स्वरूप गुरु जी के मत्थे पे तिलक में अपने आप आ गया। कई चमत्कार गुरु जी कई रहते हैं हमारे परिवार पर, हम पर सब गुरु जी करते रहे हैं करते हैं। जब शुरू शुरू में मैं जाता था तो एम्पायर स्टेट में तो लगन जैसे होती थी, तो मैं कई बार सीधा अपनी वर्कशॉप से फिरोजाबाद से एम्पायर स्टेट पहुंच जाता था, तो वापसी आता था और छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों रोते थे, पापा मुझे नहीं लेके गए। पता था चलो अगले दिन ले जाऊंगा, अगले दिन किसने करते वो छोटा बड़ा बेटा एक दिन बहुत लगा, कहने लगा नहीं और जाना है जाना है, उसको मैं अपने साथ ले गया और समझाया बुझा के ले गया कि बेटा जहाँ मैं तुझे सिखाऊंगा वहां बैठ जाना और वहां से हिलना मत, मैं कहीं सेवा होता हूँ सेवा पे, कहीं गिलास पानी के हाथ धुलाना, बाहर गिलासों में जल पिलाना, सेवा मिल गई थी तो मैं चला जाता हूँ। ठीक उसी तरह जाता रहा, बच्चे को साथ ले गया, तो कोने में जो हमारे रजिंदर अंकल थे, डीजे अंकल जिनको गुरु जी बोलते थे, उनसे प्यार अच्छा हो गया था। मैंने उनको बोल दिया कल मेरा बेटा है तो उसी हमें को बिठा कर इससे हो जाए, जब तक शब्द चलते रहे बेटा वहीं बैठा रहा। हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, जब अनाउंस हुआ उस टाइम वो शब्द बोलता था आज सारे गुरु अमरनाथ जी, उस टाइम लास्ट शब्द होता था, उसके बाद वो लंगर शुरू हो जाता। लंगर शुरू होने से पहले छोटे मोटे जो सेवादार थे, चटाइयाँ बिछाना और छोटे छोटे काम करना और अपनी सेवा में लग जाना, बेटा भी वहां बैठा तो सारी संगत थोड़ा उधर के इधर से पूरा थोड़ी संगत बाहर आना, आके खड़े हो जाते थे, बाकी रंग का लंगर करती थी, बेटा कहीं उनकी आंखों से उछल के गुरु जी के पास खड़ा हो, गुरु जी से हाथ मिला रहा बातें कर रहा। तब कक्कड़ अंकल ने बोला आजकल पर लंगर, तो हाँ अपनी सेवा किसी और को हैंड ओवर करके तो मैं अंदर आया लंगर करने के लिए, तो मैंने बोला चलो पहले बेटे को भी ढूंढू, बेटा तो नहीं है वहां, रविंदर अंकल से पूछा, डीजे अंकल से, अंकल जी पुत्र कितने मेरा, कहने गुरु जी को देख खड़े, मैं कहती थे महाराज पैर छूनू तरह थे महाराज गला कर रहे हाथ खिला रहे, बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, तो फटाफट भाग के टेका और गुरु जी कहा
तो गुरु जी बड़ा स्माइली फेस में बंद दिया, वहां लंगर करने के लिए बिठा दिया, लंगर किया। गुरु जी की कृपा, हर गुरु जी की कृपा है, पार बिठाना, अपना आशीर्वाद देना, सब उनकी कृपा है। ऐसे ही लगन रहती थी। जब मैं कोलबाग से आता था, सब लोग फूल ले आते थे, सब फूके उठे फूल, बड़े बड़े फूल आते थे। मेरा भी मन करता था मैं भी जाऊं। एक बार लाया, दो बार लाया, तीसरी बार लाया, पॉकेट अलाउ नहीं हुई। फिर मन में आया, चलो गुरु जी को फूल नहीं तो पत्तियां चला देते। और वहां पे करोलबाग से निकलना, आयनी मार्केट में राइट साइड सड़क पार करके फूल वाले वहां बैठे होते थे, अच्छे ताजे फूल होते थे उनपे। तो मैं वहां से फूल की पत्तियां लेता, वॉक करके अपना वापस स्कूटर लेना, सीधा एक बार से। तो उस तरह करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन वही लगन जैसे होती है ना, रूटीन बन जाना। आयन ने जो आयन मार्केट के पास एक पुलिस बूथ बना है, उसके पास मेरी स्कूटर खड़ी करना और वॉक करना, और वॉक करके उस तरफ जाने की जो रास्ता है वहां जाना, उस तरह होते थे, लेकिन वो आगे अंदर बैरियर नहीं होते। जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ तो सामने मैं राइट साइड पे देख रहा हूँ, तो मुझे 502 DTC की बस आ रही है, तो मैं उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। सड़क पर जा रहा हूँ, 502 DTC की बस आ रही है, तो मुझे पता वो बस मेरे को हिट करेगी, मेरे को चोट करेगी, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। इतनी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मेरे को कैसे किसी ने हाथ पीछे चला दिया, जहां से मैं शुरू हुआ था, और DTC बस निकल गई, फिर मैं वॉक करके जाने लगा। मैंने इस चीज को इग्नोर किया, सीधा मैं अपना फूल पत्ती ली और वापस आया, अपना स्कूटर की डिक्की में रखा और वापस एम्पायर सेट पहुंचा। जैसे मत्था टेका गुरु के चरणों में, तो फूल पत्ती चलाई, तो गुरु ने मेरे नाम पुकारा। सुभाष, मैं भाग्य आसन के पास गया, जी गुरु जी हुकुम क्या वैजा, ऐसा करके मेरे को बैठा दिया। ठीक 10 और 15 मिनट के बाद सिंगल अंकल को गुरु जी ने बोला, कल तो फूल कोई नहीं ले आए। अरे संगत को मना कर दिया कि कल से कोई फूल भूखे कुछ नहीं लाएगा। मुझे कुछ गिल्टी महसूस हुई, मेरे को महसूस हुआ कि मैं खैर फूल पत्ती लाता हूँ, कुछ भी कुर्सी को अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर से मायूसा हो गया, तो मना ही हो गई, मैंने ही करा दिया, मना करा दिया। अगले दिन फिर एहसास हुआ, एक सत्संग में आया आंटी से अंकल से, मैं लोगों को गंदगी बख्शते ना हाँ, लोग आ जाते अंधे हो जाते हैं। गुरु की चरणा प्यार रखो, मतलब बहुत सी बातें बताई, लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि मुझे जीवन दान मिला। मेरा फूल पत्ती लाना और कौन कौन कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन वो जो उमड़ जो थी ना, वो ऐसा था कि वो उन्होंने बचाया मुझे, जिंदगी बख्शी। ऐसा करते करते उसने कई बार जिंदगी बख्शी। दोबारा एक बार फिर मंदिर में करंट आया, सारे टूटियों में टैप में करंट मिला, तो मेरे सरदार साथ एक सरदार भी होते थे मम्मू अंकल, मैंने उनको साथ दिया। मैंने कहा अंकल ऐसे थे सेवा है, आप अल्लाह होगा आपको, जो आपकी झाड़ियों की मैं दे दूँ। तो वो एक दिन चले गए, तो वो कहने लगे नहीं नहीं अंकल, मैं झाड़ी नहीं लूंगा, मैं तो सेवा करूंगा। उनका मन भी लगा, सारे के परिवार के लोग भी आने लगे, सेवा मिली इन्हें, नहीं तो मेरे से ज्यादा सेवा मिलती रही। गुरु जी ने बड़ी अच्छे दिया उनको, पाइप सेट में भी सेवा मिली, सामने वाले प्लॉट में लाइटिंग का अरेंजमेंट उन्होंने कराया, पाइपलाइन डलवा के पानी का अरेंजमेंट भी उनसे ही हुआ। तो कुल मिला के बहुत अच्छी सेवा उनको मिलती रही, बड़ा खुश होते रहे।
बड़े मंदिर में जो करंट की सेवा थी वो भी उनके साथ मिली, तो उन्होंने भी बड़ा हेल्प किया। और तो सेकंड टाइम जो फॉल्ट रिमूव हुआ जनरेटर रूम में हुआ, सुबह से शाम हो गई, तो दिनों भी आई थिंक गुरु जी का बर्थडे था या न्यू ईयर का फंक्शन था, अगले ही दिन सब लोग वहां सेवा में लगे हुए थे, तो लाइटिंग का सारी इवेंट व्यवस्था हो रही थी, लेकिन फॉल्ट की वजह से सब लोग परेशान थे कि अब ये तो करंट की समस्या तो सॉल्व होनी चाहिए, नहीं तो किसी संगत को करंट लगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें करते जनरेटर रूम के पास जो हमारा फॉल्ट रिमूव हुआ, तो वो जनरेटर रूम से ट्रेस आउट होता होता बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पार्किंग के पास, वहां पे अर्थिंग ओपन था। रात को 6:30-7 बजे टेसू का काम था, फिर 7 बजे कौन सा टेसू दफ्तर पे आएगा, उन दिनों 2004-5 की बात थी। और एक अंकल जो हमारे गवर्नर सेवादार थे उनको रिक्वेस्ट की, तो कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, नहीं हमने पहले रामकार भैया ना माली भैया को बोला कि ऐसे भैया फॉल्ट है और वहां पे फॉल्ट है, तो ने कहा चलो पहुंचते बोलते हैं सेवादार को। उन्होंने एक अपनी गाड़ी भेजी फतेहपुर टेसू दफ्तर में, तो उन्होंने कहा हाँ जाकर आदमी को लाना। तो टेसू दफ्तर में उस टाइम तो सब लोग काफी के अपना कर होते हैं मस्त होते हैं, हमको कुछ आने को तैयार नहीं। खैर उन्होंने बोला कि चलो आप चलो जरा खर्चा पानी दे देंगे, तो उनमें से फिर छोड़ के आना भी पड़ेगा हमारे, तो ऐसे बोलने लगे वापिस भी छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है राजी हो गए, तो उन्होंने उनको हमने दिया साथ में गाड़ी बिठाया उनको। और फॉल्ट रिमूव कराया उन्होंने अर्थिंग जोड़ी को, तो भी चल प्रसाद गुरुजी के मंदिर का फैलाया, उनको वापस छोड़ने के लिए कहा, तो उनका मन भी वहां जुड़ गया कि आप भाई हम तो वापस नहीं जाएंगे। तो कर्मचारी थे वहां के जो देसु दफ्तर के, अब तो हम यही रहेंगे, हम वापस जाएंगे, जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे, आप अपना काम कर दीजिए। तो देखो गुरु जी की लगन, गुरु जी की महिमा, वो जिम्मेदारी से भी उसको पूछा भाई जो सेवा पानी बताओ तो 100-200 लेने तो ले लो भाई। उन्होंने कहा नहीं भाई पैसे नहीं चाहिए हमारे, हर तरफ से सपोर्ट करते हैं, हर तरह से आप करते कुछ कुछ काम करो, काम करना सेवा करो, काम करो, फल देना मेरा काम, एफर्ट्स करके करने पड़ते हैं। पूरी साथ साथ कहते थे पूरी सबको बढ़िया पाठ सबको ऊंचा पाठ है, अपने घर की सेवा करो, अपने घर के बच्चों संवारो, अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे, सब तो बड़ा पाठ यही है। उसी कहते थे सब तो उच्चा पाठ है जय गुरु जी, हूँ आंटी सेवा देखी जाए जय गुरु जी। गुरु जी ने हर पल अपने सत्संग दिए हैं, हर चीज में सत्संग दिए, गुरु जी के टाइम पे जब बड़े फंक्शंस होते थे तो सेवा के लिए तब गुरु जी के टाइम पे इतना संगत नहीं होती थी, थोड़े सेवादार ही पूरी सेवा कर लेते थे और थोड़े दिन पहले ही तैयारियां शुरू होती थी। एक दिन सेवा में करके हम लोग लंगर करके 2 बजे के बाद छुट्टी हो जाती थी कि 2 बजे के बाद लंगर अपना अपना लेके जाते थे और लंगर करने के बाद घर आ जाते। उस दिन भी हम सब सेवादार लंगर करके घर के लिए निकल ही रहे थे कि पंजाब की संगत आई और गुरु जी ने फोन किया। अनीश अंकल पहले वहां पे सेवा में रहते थे जो माली अंकलों के साथ रहा करते थे, तो बिल्कुल गेट के पास ऑफिस बना हुआ है वहां पे माली अंकल और वो अनीश अंकल का रहने की व्यवस्था थी। तो अनीश अंकल को फोन आता है कि भाई ये जो पंजाब से संगत आई है पहले इनको लंगर करा दो और फिर इनसे सत्संग सुनना, और जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनको
संगत सेवा कर रही है उनको घर भेज दो, किसी को भी वहां रुकने की आज्ञा नहीं है। तो अनीश अंकल दौड़ते दौड़ते आए और हम सबको बोले कि जल्दी जल्दी से अपना अपना सामान पैक करो और बाहर चले जाओ। तो माजी अंकल से पता लगा कि आज इतनी जल्दी क्यों हमें भेजा जा रहा है। उन्होंने बोला कि पंजाब की संगत आई है, गुरु जी ने उनको बोला है कि आप लंगर करके अपना सत्संग जीतू अंकल को सुनवाओगे, और क्योंकि गुरु जी ने अपना चोला छोड़ने से पहले ही लोगों से सत्संग करवाने और लिखवाने शुरू कर दिए थे, जो कि हम संगत को नहीं पता था कि गुरु जी ये क्यों कर रहे हैं। जो कि जो सत्संग आज हम दिव्य आभा लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ते हैं, तो वो बुक गुरु जी ने तैयार करानी शुरू कर दी थी। लेकिन गुरु जी ने संगत के मन में ये पता ही नहीं था कि गुरु जी समाधि ले लेंगे, ये बुक पब्लिश होगी इस तरह का, ये कि गुरु जी हम सब लोगों के लिए ये प्रसाद छोड़ जाएंगे कि हम गुरु जी की जो गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है वो इस तरह से गुरु जी की ब्लेस की हुई किताब बुक में पढ़ेंगे। तो वो पंजाब की संगत को गुरु जी ने बोला कि भाई आप जाओ वहां पे चितू अंकल है, आप उनको अपना सत्संग सुनाना। तो माली अंकल से इतना पता लगा तो हम सब संगत थी कि गुरु जी क्या हम नहीं सुन सकते सत्संग। हर किसी ने अपने मन में ही सोचा, जितने भी सेवादार हम सब गए हुए थे, तो अभी हम गेट से बाहर ही नहीं निकले थे सेवादार संगत, तो गुरु जी का फोन आता है कोई बात नहीं जो सेवा कर रहे हैं ना उनको भी साथ में बैठ के सुनने दो। तो उस टाइम बच्चे बहुत छोटे थे, तो हम सब लोग बाहर बैठ गए क्योंकि गुरु जी का हुक्म था। जो बड़े मंदिर में नीचे बेसमेंट में बना हुआ है वहां लंगर वहां करवाना था, तो उस दिन संगत डे भी था। तो वो आंटियां जो लंगर प्रसाद बनाया करती थी उनको गुरु जी ने फोन किया कि ये जो पंजाब से संगत आई है इनको पहले लंगर करा दो। तो उन आंटियों ने जल्दी से लंगर तैयार करके उनको लंगर कराने लगे और हम साइड में बैठे हुए थे। तो बच्चे बड़े छोटे थे, वो खेलते खेलते बाहर से अंदर आए कि, और जब देखा कि सामने लंगर हो रहा है, क्योंकि बच्चों का मन तो ऐसे ही होता है, सामने किसी को खाते देखा तो उनको भूख लगाई, किसी को खेलते देखा तो उनको भी खेलना है। तो मेरा बड़े वाला बेटा आके बोलता कि मम्मी भूख लगी है। तो मैंने उसको कहा बेटा अभी तो हमने लंगर किया था, अभी हम घर चले। उसको मैं ये कह के कहती हूँ बाहर जा खेल ले, फिर थोड़ी देर में घर चलेंगे तो फिर खाना। वो फिर भागता हुआ आता है कि मम्मी मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तो मैं थोड़ा सा उसको डांट देती हूँ, मैं अभी डांट के उसको बाहर भेज ही रही होती हूँ कि अनीश अंकल को गुरु जी फोन करते हैं कि कोई बात नहीं ये जो सेवादार संगत है इनको भी लंगर करा दो। गुरु जी कितना सुनते हैं, और गुरु जी बच्चों की तो एक मिनट में सुनते हैं। और देखो बच्चे ने सिर्फ बोला और गुरु जी ने पूरी जितनी भी संगत हम सब सेवादार थे सबको लंगर कराया। तो शुक्राना गुरु जी आप इतनी जल्दी सुनते हो। और जब सेवा हम लोग सब किया करते थे तो आपस में सत्संग भी शेयर किया करते थे, तो एक आंटी ने सत्संग शेयर किया कि गुरु जी वो हमसे पहले जुड़े हुए थे, तो वो जब पहले सेवा करने आते थे तो गुरु जी उनको कहते थे कि ये मत सोचना कि तुम्हें वहां मंदिर से कुछ लंगर मिलेगा खाने को, तुम लोग मजदूरों की तरह अपना टिफिन पैक करो घर से और वो लेके जाओ, सेवा करो और खाओ। लेकिन गुरु जी की तो बोझ इतनी होती थी कि वो आंटी कहती है वो तो गुरु जी हमें सिर्फ ये कि अपना टिफिन लेके जाओ। लेकिन जब सेवा में होते थे तब गुरु जी के टाइम पे बड़े फंक्शनों पे तो इतना प्रसाद गुरु जी खिलाते थे, गुरु जी बकायदा एम्पायर स्टेट से जो प्रसाद मिठाई के डब्बे इतना प्रसाद भेजते थे कि जाओ वहां सेवा कर रहे हैं उनको दो, और उधर से कहते थे अपने टिफिन तैयार करके ले जाओ मजदूरों की तरह। तो गुरु जी तो क्योंकि गुरु जी हमें जीवन का सिखाते हैं कि जब कोई काम करने जाना है तो अपना खाना साथ लेके जाओ, मिले तो भी शुक्राना, नहीं मिले तो भी शुक्राना। तो गुरु जी तो प्रैक्टिकल हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो बच्चे की गुरु जी ने इतनी सुनी, और एक बार जब हम अभी शुरू ही हुए थे गुरु जी के पास जाना, तो दो तीन बार तो हम बच्चों को साथ ले गए थे, लेकिन फिर गुरु जी ने बच्चों को ले जाना मना कर दिया था कि बच्चों को घर छोड़ के आया करो।
तो बच्चे उस टाइम थोड़े छोटे थे कि उनको घर कैसे छोड़ा जाए, लेकिन भूकंप हुआ तो आ गया तो माननी थी, तो हम बच्चों को घर छोड़ के जाते थे। इतने छोटे बच्चे थे कि एक पेरेंट्स का या किसी का उनके पास होना जरूरी है, लेकिन गुरुजी का इतना जनून होता था कि हम दोनों बच्चों को हम ताले में बंद करके गुरुजी के पास जाते थे। और जब दरवाजे से बाहर बच्चे गेट लगाते थे तो मैं गुरुजी को अरदास करती थी, गुरुजी मैं चली आपके पास, आप बैठो मेरे बच्चों के पास। तो इस तरह से चलता रहा। जब हम गुरुजी के वहां से वापिस आते थे गुरुजी से मिलके, तो हमें कभी तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, कभी नहीं आती थी। लेकिन जब हम घर आके बच्चों के पास आते तो बच्चे कहते थे मम्मी पापा में से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, क्योंकि बच्चे थोड़े टाइम गुरुजी के वहां गए थे। तो ये गुरुजी ब्लेसिंग कहते थे, मेरे पास कोई फैमिली का एक या कोई भी आ जाता तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो बच्चों को गुरुजी हमारे थ्रू ब्लेस करते रहे। तो हर बार जब भी जाना, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का अपना बच वो है कि मम्मी और जा रहे हैं तो पापा जा रहे हैं तो कहना कि हमें भी जाना है, तो उनको कहना कि नहीं वहां नहीं जा सकते, गुरुजी ने मना किया। इतना सुन के बच्चे चलो चुप हो जाते। लेकिन एक बार तो बड़े बेटे ने कहा मम्मी आज तो मुझे गुरुजी के पास जाना है, तो मैंने कहा नहीं बेटे वहां नहीं जा सकते क्योंकि गुरुजी ने मना किया है। तो बोला कि आप गुरुजी से पूछ के आना कि मैं अगली बार अपने बच्चों को ले आऊं। तो जब बच्चा ठीक है उसने कह दिया, लेकिन ये तो गुरुजी की माया की एम्पायर स्टेट से अंदर जो मेन गेट है बाहर का, जैसे ही उस गेट के पास पहुंचना, वो कि बच्चों ने क्या कहा था, हम घर क्या छोड़ के आए हैं, या हम किसी से हमारा क्या नाता है, बिल्कुल क्लीन, सिर्फ गुरुजी। वो बात ही भूल जाते थे हम, थोड़ा टाइम बच्चा भी कितना सबर करेगा। तो उसने एक दिन बड़ी जबरदस्ती बोला कि नहीं आज तो मम्मी पापा गुरुजी से कहना कि मैं बच्चों को लेके आऊं, तो हमारा भी बड़ा मन करता है। तो उस दिन वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी का ही याद रखवाना। तो हम गुरुजी के पास गए, माथा टेका, तो धीरे से पूछा गुरुजी बच्चे कहते हैं कि हमें भी आना है। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं लाना, बड़े मंदिर ले जाना। अब और गुरुजी से इससे ज्यादा बात कर नहीं सकते। तो अब हमें पता ही नहीं था कि बड़ा मंदिर कहाँ है, बड़ा मंदिर कहाँ है। तो हमने जो संगत पुरानी संगत थी उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाटी माई से। तो और गुरुजी साहब ने ये भी बोला कि सोमवार होते बट्टे मंदिर जाया करो। तो ये गुरुजी का बच्चे के मन में वोट डालना कि बड़ा मंदिर, और हमें नहीं पता था। तो ये गुरुजी का शुक्राना कि जो मंडे के दिन गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर का, जो स्वर्ग लोक में हमें इतना आनंद दिलवाया, इतना आनंद दिलवाया है कि वो जब वो वाला आनंद याद करते हैं तो अब ऐसे लगता है कि वो वाला आनंद दोबारा नहीं मिल सकता। गुरुजी ने इतना बड़े मंदिर का आनंद दिलवाया कि हर मंडे हम बच्चों को स्कूल से लेके सीधा मंदिर पहुंच जाते थे। उस दिन संगत भी थोड़ी होती थी, सारा दिन ऐसे समूह बना के, टोलियां बना के एक दूसरे से सत्संग शेयर करते रहते थे, सेवा करनी। और उन दिनों संगत ही चाय प्रसाद बनाती थी, संगत ही प्रसाद लेके आती थी, और जो गुरुजी एम्पायर स्टेट से प्रसाद देते थे वो सब माली अंकल बांटा करते थे। किसी को कोई भी किसी कोने में होता था तो वो माली अंकल उनको प्रसाद जरूर दिया करते थे, कहीं भी किसी भी कोने में। और गुरुजी का इतना इतना कि अब याद कर करके वो पल, किसी टाइम तो इतना रोना आ जाता है कि गुरुजी वो दिन वापिस नहीं आ सकते क्या, क्योंकि गुरुजी ने उन दिनों इतनी मौज कराई बड़े मंदिर का। तो शुक्राना गुरुजी आपने बच्चों के थ्रू की बड़ा मंदिर होता है, वो हमें वो टाइम मिला हमें वहां गुरुजी के मंदिर में टाइम बिताने का, तो वो अब आंखों के आगे वो टाइम ऐसे लगता है कि वो दिन स्वर्ग के दिन थे जो गुरुजी ने अपने रहते हुए हमें बड़े मंदिर में इतनी ऐश कराई। तो गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी का तो मुंह में
दिमाग में एक विचार लाना और गुरु जी ने उसको पूरा करना, तो ये तो बस अब ये छोटी बातें रह गई है कि ये कहा और वो गया। गुरु जी तो इतना बड़ा बड़ा शुक्राना दे रहे हैं कि मुंह से बयान भी नहीं कर सकते हम, तो गुरु जी का इतना शुक्राना है। गुरु जी आप ही चला रहे हो, आप ही खिला रहे हो, तो ये सब गुरु जी आपका ही दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।